इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ में हाई सेट अपडेट की बात करें तो मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। दरअसल कंपनी द्वारा घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया गया है। उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलने वाली छूट को अब बंद कर दिया गया है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 16 जिले में अब इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके पहले बिजली बिल ऑनलाइन भुगतान पर 0.5% छूट निर्धारित की गई थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेश अनुसार अब निम्नलिखित घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली का बिल ऑनलाइन जमा करने पर पहले से और अधिक छूट दी जा रही है। इस संबंध में कंपनी ने कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के मैदानी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। कंपनी ने बताया है कि पूर्व में मार्च तक निम्नलिखित घरेलू कनेक्शनों के बिजली बिलों के ऑनलाइन भुगतान पर बिल राशि की 0.5% छूट निर्धारित की थी एवं उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान पर न्यूनतम 5 रुपए से अधिकतम 20 रुपए तक की छूट दी जाती थी। अब अप्रैल से जारी नए निर्देशों के अनुसार कंपनी द्वारा निम्नलिखित घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान पर उनके कुल बकाया बिल पर 0.50% की छूट मिलेगी एवं अधिकतम छूट के लिए कोई सीमा बंधन नहीं है। नए निर्देश के तहत अब 4,000 रुपए से ज्यादा का कैशलेस बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को पहले ही तुलना में ज्यादा छूट मिल सकेगी। 5,000 के कैशलेस बिल भुगतान पर 25 रुपए और 50,000 रुपए के भुगतान पर 2,050 रुपए एवं 1,00,000 के एलटी बिजली बिल कैशलेस भुगतान पर 500 रुपए की छूट मिल सकेगी। कंपनी उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रति बिल कैशलेस भुगतान पर पहले ही 100 रुपए से 1,000 रुपए तक की छूट दे रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंधक संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने उपभोक्ताओं से बिजली का बिल ऑनलाइन भुगतान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को एमपी ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर, कंपनी पोर्टल, portal.mpcg.in, फोन पे, अमेजन पे, गूगल पे, पेटीएम ऐप एवं उपाय मोबाइल ऐप के माध्यम से बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। इधर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 30 अप्रैल को बिजली बिल भुगतान केंद्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। भोपाल शहर वृत्त के अंतर्गत चारों शहर संभाग यथा पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर संभाग के अंतर्गत सभी जोनल कार्यालय और दानिश नगर, मिश्रोद, मंडीदीप में बिल भुगतान केंद्र उक्त छुट्टी के दिन भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि राजधानी के जोनल ऑफिस में कैश काउंटर पर बिल भुगतान और भोपाल शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित एटीपी मशीन में भी बिल भुगतान कर सकते हैं। तो ये था अब तक अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।